अब हमारे सामने जो प्रॉब्लम है DR 2131, ये प्रॉब्लम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का शायद सबसे हार्डर प्रॉब्लम है और इसे हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप कई फ्रेम में देखने की आवश्यकता है। जब तक हम लोग इसे कई फ्रेम में नहीं देख पाएंगे तब तक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये इनिशियल कंपाउंड है और ये कंपाउंड है जी बेंजीन, है ना, बेंजीन के ऊपर दो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं 1,4 पे, लेकिन 1,4 पे जो ग्रुप है उसमें एक पर तो कार्बन 14 है और एक पे कार्बन 12 है। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखना है और क्वेश्चन अल्टीमेटली कह रहा है कि आफ्टर कई सारे रिएक्शन सीक्वेंस के बाद SOCl2 एक्सेस के साथ रिएक्ट करने के बाद और उसके बाद डाई एजो मीथेन से रिएक्ट करने के बाद और उसके बाद एक्सेस कंपोजी 2O से रिएक्ट करने के बाद वाटर से हिट करने के बाद NaOH से हिट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में कितने ऐसे कार्बन 14 एटम्स होंगे, ये इन बातों को ध्यान में रखना है और इसी बातों को समझ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगेन लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन इन स्टेप बाय स्टेप। पॉइंट नंबर 1, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड विथ SOCl2 और PCl3 undergoes SN2TH mechanism to produce acid chlorides। और यहां भी हम लोग एसिड क्लोराइड मिल जाएगा और इन सारी बातों का रीजन और लॉजिक है SN2TH मैकेनिज्म। अब यह ध्यान रखें चूंकि एक कार्बन 14 था, कार्बन पे इस एसाइलेशन में किसी तरह ये बेसिकली हम लोग जो हैलाइड एक्सचेंज कर रहे हैं इस हेलोजन एक्सचेंज में किसी तरह का कोई कार्बन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो कार्बन तो एज इट इज रहेगा जी। जो आपके पास कार्बन 14 है वो कार्बन 14 रहेगा, जो कार्बन 12 है वो कार्बन 12 रहेगा। अब बात निकल के आती है कि सेकेंड स्टेप में कि जब इस कंपाउंड को हम डायजो मीथेन से रिएक्ट कराएंगे और वो भी एक्सेस से रिएक्ट कराएंगे तो फिर क्या बनने वाला है। तो जैसे ही हम इस कंपाउंड को डायजो मीथेन से रिएक्ट कराएंगे CH2N2 और वो भी एक्सेस है और इसमें भी कार्बन 14 है तो पहली बात अपने दिमाग में यह होना चाहिए कि व्हाट इज डायजो मीथेन। CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, दिस इज योर डायजो मीथेन जिसमें कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और एक दूसरे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। यह डायजो मीथेन इसके अपने कई सारे रिजोनेंस फॉर्म होंगे और यह दूसरा रिजोनेंस फॉर्म होगा जिसमें क्या हो जाएगा कि हमारा कार्बन CH2- हो जाएगा और N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा और यहां फिर प्लस हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक और जैसे अभी हम लोगों ने एक SN2TH कराया था उसी तरीके से ये कंपाउंड अब दो दो SN2TH के लिए तैयार है, दोबारा फिर SN2TH होने वाला है। और इस केस में अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें एक और SN2TH होने के बाद क्लोरीन चूंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है तो CH2 ने उसे रिप्लेस कर दिया है और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है CH2N2+। अगेन यहां ध्यान रखें और जो क्लोरीन निकला है वो इसके साथ एक साल्ट बना रहा है और यही बात यहां पर भी आएगी कि दूसरी ओर भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी बनेगा CH2N3N और यहां पे भी प्लस एंड Cl-। ये इन बातों को ध्यान रखें कि हम लोग अभी यहां तक क्या करके आए हैं और ये कैसे कैसे ये घटनाएं घट रही हैं। देखने में ये जो प्रोडक्ट है ये काफी विभत्स सा है लेकिन यहां इस बात को दिमाग में रखें कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलते रहेंगे और इस जगह पे आप प्रॉपर लेवलिंग का ख्याल रखें
क्योंकि हमारा कार्बन 14 जो है वो तो कार्बन 14 है जी, ये भी कार्बन 14 है और यहाँ पे आने वाला पहले से भी एक कार्बन 14 है। तो ऑब्वियसली अब इस मॉलिक्यूल में हमारे पास तीन तीन कार्बन 14 आ गए और एक कार्बन कौन सा है, वो एक कार्बन जो हमारे पास है वो कार्बन 12 है। अब जो अगला स्टेप शुरू होता है, जब हम Ag2O के साथ हिट करते हैं तो सिल्वर यहाँ पे क्लोराइड को प्रेसिपिटेट करेगा और इसके साथ साथ यहाँ पे हम दिमाग लगाएं कि Ag2O एंड हीट। तो इस घटना में क्या हो जाएगा, इस केस में सारे के सारे AgCl प्रेसिपिटेट कर जाएंगे और यहाँ पे एक बड़ा ही शानदार रिअर्जमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर में हम देखेंगे कि हमारे पास ये नाइट्रोजन निकलेगा और ये पूरा ग्रुप चेंज करके कीटीन के रूप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, बल्कि ये मैकेनिज्म हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, नाउ दिस प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड ये कार्बन हमारे पास 14 आ गया। क्यों? इसलिए कि यह पूरा ग्रुप यहां निकला है, जैसे ही यह पूरा ग्रुप निकल रहा है इसके लॉस होने के साथ साथ एक रिअर्जमेंट हो रहा है, यह पूरा फिनाइल यहां से यहां शिफ्ट मार रहा है और इस रिअर्जमेंट का नाम है उल्फ रिअर्जमेंट। सिमिलर यही घटना दूसरी ओर भी घटने वाली है और दूसरी ओर यह घटना अगर घटती है तो इस बात को दिमाग में रखें कि यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड CH2 तो आएगा ही और यह CH हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड, जस्ट मिनट, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे आपको दो बातें दिमाग में रखनी होंगी, फर्स्ट कि यह कार्बन 14 भी आ गया बेंजीन के बगल में, यहाँ भी वही घटना घट रही है, ये निकल रहा है और पूरा बेंजीन यहाँ शिफ्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो दो कार्बन 14 होंगे और इस तरीके से अब इस मॉलिक्यूल में हमारे पास तीन कार्बन 14 आ गया और एक हमारे पास कार्बन 12 है। अगेन अब इस केस में जब हम वाटर एक्सेस लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, वाटर इज ए न्यूक्लियोफाइल एंड दिस स्पेसिस इज कीटीन। ये कीटीन ये पोलर कंपाउंड है, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, पोलराइज कर रहा है, तो हमारे पास जो कीटीन का कार्बन है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक है। और इस तरीके से अब हम लोग सारा रिअर्जमेंट कराने के बाद यहाँ देख पाएंगे कि कुल मिलाकर के ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास इस प्रोडक्ट में ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जिसमें कि पहला कार्बन 14 है और दूसरा COOH है जो यहां इस सारे वाटर एडिशन ऑन कीटीन से प्रोड्यूस हुआ। और इसी तरीके से दूसरी ओर भी हमारे पास CH2-14 है और दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वह कार्बोक्सिलिक एसिड भी उसमें भी जो कार्बन है वह 14 है। अब हम लोग एक अलग मुकाम तक पहुंचाए हैं, हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे वाटर एडिशन एंड हीट देख लिया है और ये जो हमारे पास इस स्टेप के बाद अब अगला स्टेप है जो लास्ट स्टेप है NaOH एंड CaO विथ एक्सिस। तो जैसा कि आपको मालूम होगा ये लास्ट स्टेप NaOH CaO, अब तक आप पढ़ते चले आए हैं, दिस इज द रिएजेंट फॉर डीकार्बोक्सिलेशन, कि जब कभी भी हम सोडा लाइम के साथ किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है और डीकार्बोक्सिलेशन इस पूरे प्रोसेस में CO2 गैस निकल जाता है, क्योंकि यहां दो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो दो दो CO2 निकलेंगे एंड अल्टीमेटली जो हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है और वो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन के पारा पोजीशन पे दो दो मिथाइल ग्रुप, बेसिकली नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। और अब आप समझें कि इस फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है,
हाउ मैनी कार्बन 14 एटम्स आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, तो वो बात अब यहाँ निकल के आ गई कि कार्बन 14 में तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 14 इन प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ कार्बन 14 इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज योर आंसर. जस्ट सी, दोबारा मैं आपको बता दूं, आप इन रिएक्शंस को ए बी सी डी में क्लासिफाई कर दीजिए. स्टेप ए दिस इज योर स्टेप बी, स्टेप सी, स्टेप डी, स्टेप ई. हियर वी हैव 5 रिएक्शंस ए बी सी डी ई. दिस इज योर ए. Whenever you are reacting SOCl2 axis, you are getting this product. The mechanism is SN2TH. Step B, this is your step B. With axis of diazomethane, this compound is called diazomethane. Remember, here you have carbon 14. With this CH2N2 and axis, you are getting what product? Basically, diazo product, diazo substituted product. The diazo group has substituted the chloride. The mechanism is SN2TH further. In the third step, the step is C. Here you are using the reagent Ag2O. सिल्वर का काम क्या है यहाँ पे? सिल्वर क्लोराइड को प्रेसिपिटेट करना और उल्फ रिएजमेंट के लिए प्रमोट करना. जैसे ही यह डाइजोनियम ग्रुप यहाँ पे नाइट्रोजन निकलता है और इसी के साथ साथ पूरा का पूरा कार्बन, पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप शिफ्ट मारता है और इस तरीके से क्या बन रहा है जी, यहाँ पे बन रहा है किटीन. दिस इज द वेरी क्रूशियल स्टेप, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ दिस रिएजमेंट प्रोसेस. दिस इज व्हाट, उल्फ रिएजमेंट. और जैसे ही उल्फ रिएजमेंट खत्म होता है तो हमारे पास क्या बनता है, किटीन बनता है, जिसके दोनों किनारों पे किटीन है और कार्बन 14 अब बेंजीन के बगल में आ चुका है. जो पहले कहीं कहीं किनारे था, बेंजीन के एक कार्बन के बाद था, वो इस रिएजमेंट के बाद आया है. इसके बाद का स्टेप क्या है, वो किटीन पे वाटर का एडिशन है. तो बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. बेसिकली यहां पे आप क्या कर रहे हैं, तो यहां पे आप ऐड कर रहे हैं, वाटर का ऐड कर रहे हैं. किस पे? तो डबल बॉन्ड पे, इलेक्ट्रोफाइल पे आप न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कर रहे हैं. तो बेसिकली दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. और इसके बाद जो प्रोडक्ट आपके पास बना है वो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया. अगला स्टेप बड़ा सिंपल सा है, वो आपने यहां देखा है कि डी स्टेप के बाद नाउ वी हैव ई एंड दिस स्टेप इज ई. ये स्टेप आपका ई है और ई स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन, जिसमें कि आपका सी डबल ओएच रिमूव हो रहा है और सी डबल ओएच के रिमूव होने के साथ साथ यू आर गेटिंग दिस पाराजैलिन विथ कार्बन 14 एट बोथ पोजिशंस एंड अल्टीमेटली यू हैव 2 कार्बन एट बोथ एंड्स. द कंपाउंड हैज, द प्रोडक्ट हैज 2 एटम्स ऑफ सी 14. Thank you.